हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। मैं हूँ मेघा। मैं हूँ शुभम। और आज हम आप लोगों के साथ मोस्ट अवेटेड वीडियो शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों के साथ मिली थी और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताऊँगी। लेकिन मैं ये कहूँगी किसी का स्पेशली प्लीज़ कमेंट में नाम मत लेना, खासतौर से किसी को नेगेटिव वे में कुछ मत बोलना। सब अच्छे थे और सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा एक्सपाइजर जो भी था वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। मुझे लगता है कि ठीक है, वो शायद मे भी देखो फर्स्ट टाइम में कई लोग ना कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसका बिहेव हमारी तरफ रूड है, हो सकता है वो रूड ना हो। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिनके हम गए थे प्रिया दी से। तो मुझे लगता है उनके बारे में हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें उनके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं होता हमारा, तो हम शायद कभी उनके यहाँ जाते ही नहीं। और हम ये फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम नहीं गए थे, हम थर्ड टाइम गए थे। तो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम क्यों? फर्स्ट टाइम गए थे सीतापुर। हाँ, फिर सेकंड टाइम गए थे लखनऊ ही गए थे। नहीं, गांव जाने का प्लान था, नहीं गए थे अपन, इसलिए आपको ऐसा लग रहा कि फोर्थ टाइम है। गांव जाने का हमारा प्लान था। जब दी के यहाँ भागवत हुई थी तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था और बोला था कि कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारी पूरी पैकिंग एक्टिंग सब कुछ डन था हमारी तरफ से, मतलब शॉपिंग डन थी, पैकिंग डन नहीं थी। फिर इनको टाइम नहीं था तो फिर हम नहीं गए थे। तो ऐसा था, तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा फोर्थ टाइम, हम थर्ड टाइम गए थे। तो वही एक्सपीरियंस, तो दी के साथ तो मतलब मुझे लगता है कि अपना बॉन्ड भी डिस्क्राइब करना मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि कैसे क्या बोलूँ अभी। तो इस टाइम थोड़ी ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी पार्टी, मतलब हाँ, पार्टी तो थी पर शादी हो, कोई अच्छा कार्यक्रम जिसमें सब लोग मिल रहे थे। दूसरे ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई अननोन है और किसी को अपन जानते नहीं है, सब अच्छे नेचर के थे, सब मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और मज़ा तभी आता है जब आदमी अपने घर में, जैसे जब कोई आते हैं ना गेस्ट, अपने घर में रुके और पूरा ऐसा लग रहा था रथ जगा टाइप का होता है ना, हमारी साइड रथ जगा होता है, रथ जगा बोलते हैं, रात भर जागते हैं। हाँ, कोई शादियों में तो वैसा लग रहा था। हम लोग 3-3, 4 बजे सुबह सोते थे, क्या बता, हम तो सो जाते थे, ये लोग नहीं सोते थे। हम दो दिन ऐसे थे कि हम 4 बजे सो रहे थे, क्योंकि जितने लोग भी आए थे बहुत अच्छा लगा। सबका नेचर बहुत प्यारा था। फर्स्ट टाइम जैसे हम लोग गए, जीतू उनका चैनल है ना, तो उनसे मिले, प्रीति मेकअप उनका चैनल है, उनसे मिले, जीतू से मिले और फिर वो अंजलि दीदी से मिले। और अंजलि दीदी नहीं है, वो आकांक्षा दीदी है जिनको तुम अंजलि दीदी बोलते रहते हो। नहीं, एक अंजलि दीदी भी है ना। देखो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारा जो टाइमिंग था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हमें 10:30 बजे पहुंचना था, हम टाइम से पहुंच गए। तो वहां पर तो ऐसा था, आप तो टाइम पहुंच जाओ। नहीं, वो नहीं बोल रहे, तो हमने ना सरप्राइज दे दिया था। सरप्राइज दिया मतलब हम तो अचानक ही पहुंचे, मतलब जीजू, अरे ऐसे अगर आप देखोगे हमारा जो वेलकमिंग वीडियो उसमें देखोगे ना, तो जीजू अरे मेघा ऐसे करके, और फिर नेहा, फिर प्रिया दीदी हमें देखने को मिली। और सच बताऊं ना, जब आप किसी के यहाँ जाते हो ना, तो सबसे पहले आपकी नजर ही उसी इंसान को ढूंढ रही होती है जिसके यहाँ आप गए हो। तो मेरे साथ वही था, मुझे सबसे पहले प्रिया दीदी की और मैं सबसे पहले उनसे मिली। फिर हम सीधे बेडरूम की तरफ चले गए, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स बैठे हुए थे, बट सच बताऊं मैंने उस टाइम पे किसी को भी नहीं देखा। मैं सीधे अपना एंट्री मारी मैंने रूम में, फिर हम बेडरूम में गए, दी से मिले, प्रीति से मिले। और प्रीति से हमारी बहुत लॉन्ग टाइम से बात हो रही थी, लेकिन उससे मिलना नहीं हो पा रहा था। उसने अपनी बच्ची के जन्मदिन में हमें बुलाया था, उसने अपने बेटे के जन्मदिन में हमें बुलाया था, बट सीरियसली टाइम नहीं मिल पा रहा था और हम वहाँ पर भी नहीं गए थे। तो उससे मेरा मिलना ऐसा था कि मुझे उससे मिलना ही है, तो वो भी था। तो सबसे पहले तो प्रिया दीदी ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। क्योंकि देखो एट द एंड आपको चाहिए क्या है प्यार के अलावा। मुझे लगता है कि अगर आपको रिस्पेक्ट और प्यार दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो आपका उस इंसान के यहाँ जाने का बार बार मन होता है, उस इंसान से मिलने का भी मन होता है, उस इंसान से बात करने का भी मन होता है। तो मुझे प्यार और रिस्पेक्ट दोनों बहुत अच्छे से उन्होंने दी है। अभी इस वीडियो के बीच में आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, तो आप वो रिव्यू देख लीजिए और फिर मैं आप लोगों से आगे की बात करूँगी, ठीक है? क्या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। मैंने जब ये हेयर कट करवाया था ना, तब मैंने सोचा था कि अब मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। एक दो दिन मुझे समझ में भी आया कि मेरे उतने बाल नहीं झड़ रहे हैं। अगेन वही सेम प्रॉब्लम, अगेन मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैंने अभी अपने बालों को कॉम किया, कॉम करने के बाद भी मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने अभी सोचा कि मैं कुछ देखती हूं, कोई प्रोडक्ट देखती हूं, तो मुझे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे ये बता रहा है मामा अर्थ रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम है, ये शैम्पू है, कंडीशनर है, बट ये आउट ऑफ स्टॉक है। मैं इसे अलग अलग मंगा रही हूँ, क्योंकि मैं कॉम्बो मंगा रही थी, बट कॉम्बो में मुझे मिल नहीं रहा। तो ये देखिए, हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर मैं यहाँ पे मंगा ले रही हूँ और सीरम अलग से मंगा ले रही हूँ, किसमें इसमें ऑप्शन अलग से भी है और कॉम्बो में भी है। कॉम्बो मिलेंगे थोड़ा अफोर्डेबल पड़ेगा। और यहाँ पे आपको मैं खुद दिखा देती हूँ मेरे बालों की हालत इस टाइम पे क्या है, अगर आपको दिख रहा है मुझे तो।
मेरे गुच्छे में बाल निकल रहे हैं और न्यू हेयर ग्रोथ हो ही नहीं रही है, मेरे जो रियल हेयर्स हैं वो बस निकलते जा रहे हैं। ये देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ये देखिए, आपको जहां से भी समझ में आए ना आप देखिए, ये देखिए मेरे बाल सिर्फ झड़ते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ जहां जहां देखो वहां बाल है, ये देखो, और जड़ से उखड़ रहे हैं। तो मुझे इसका सॉल्यूशन जरूर से ढूंढना पड़ेगा। मुझे इतना खराब लगता है इस बरसात के मौसम में, चिपचिप तेल मैं नहीं डाल सकती हूँ, तो मैं तेल नहीं मंगा रही हूँ, इसीलिए मैंने सीरम कंडीशनर और शैम्पू मंगाया है। जैसे ही रिसीव होगा इसका रिजल्ट, मुझे जैसा मिलेगा मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम बहुत सी लेडीज फेस कर रही हैं। सो आज है डेट 25 जुलाई, और अब जैसे ही मुझे ये शैम्पू और कंडीशनर वो रिसीव होगा सीरम, तो मैं उसके रिजल्ट आपको 10 to 12 days में बताऊंगी, क्योंकि उसमें ही मुझे समझ में आएगा कि इसका रिजल्ट कैसा है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक क्लिप देखी जहां पे मेरी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, और ये प्रॉब्लम मेरी ही नहीं बहुत सारे लोगों की है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। मैंने भी बहुत रिसर्च करी, तो ही मैंने सर्च किया यूट्यूब पे हेयर फॉल की शैम्पू कंडीशनर या किसी सीरम के बारे में। मुझे सबसे पहले रिकमेंड हुआ, अभी क्योंकि ये न्यू लॉन्च है तो सबसे पहले मुझे इसी के वीडियो देखने को मिले। ये पहले बात करूंगी मैं यहाँ पे इस सीरम के बारे में। ये सीरम, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव इट। मतलब शैम्पू, कंडीशनिंग, ऑयल, इनके बारे में तो हमेशा सुना था, ये जो सीरम है ना, इसने सच में मेरा थॉट जो थे ना वो बदल दिए। सबसे पहले मैं इसका रिव्यू देने वाली हूँ आपको, इंग्रीडियंट्स, इसकी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, फिर इसे यूज कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये है मामा अर्थ रोजमेरी हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम विथ रोज। के जो दो हीरो इंग्रीडियंट्स है वो है रोजमेरी एंड आनागिन। 95% रोजमेरी है जो प्रमोट करेगा आपकी हेयर ग्रोथ को, 4% आनागेन है जो इम्प्रूव करेगा हेयर डेंसिटी को। मेड सेफ है, फ्रेग्रेंस फ्री है, फॉर ऑल हेयर टाइप्स। जी हाँ, सारे हेयर टाइप्स के लोग इसे यूज कर सकते हैं। 599 rupees का है, लेकिन आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सिंपली इसको यूज कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है। सबसे पहले तो ये इसकी पैकेजिंग ही मुझे बहुत कमाल की लगी। ये देखिए किस तरीके से इसमें नोजल मिलेगा आपको, पैकेजिंग है। सिंपली आपको अपने बालों को कॉम करना है, और अपनी आपको अपने स्कैल्प पे इसको अप्लाई करना है, और इस तरीके से थोड़ा सा मसाज करना है। एवरीडे भी आप यूज कर सकते हैं अगर चाहें, क्योंकि ये एवरीडे आप कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये ऑयल जैसा नहीं है, इसका जो टेक्सचर है बड़ा वॉटरी है। आप देखिए ये इस तरीके से है, जैसे हम बहुत ही ज्यादा वॉटरी है, ये थोड़ी देर में आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कोई सीरम भी अपने हेयर्स पे लगाया हुआ है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरीके से है, ऑयल जैसा टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर में इसमें जैसे हवा लगेगी ना, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जैसे आपने साइड में देखा है, देख रहे हो, इसी तरीके से आपको यूज करना है। आप हेयर वॉश के बाद भी कर सकते हो, हेयर वॉश के एक दिन बाद भी कर सकते हो, मतलब एवरीडे आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी है वो वीडियो आपको बता दूं कि वो क्लिप आज से 2.5 weeks पहले की थी, जब मैंने ये प्रोडक्ट नहीं मंगवाया था, जब मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा हो रहा था, क्या बोलूं। अभी मैं यहाँ पर छत पे बैठी हुई हूँ, यहाँ पे पसीने भी हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम का सीजन आपको पता ही है, ये वेदर ही इस तरीके का है कि इस टाइम पे हेयर फॉल होना बहुत ही लाजमी होता है, लेकिन मेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा था। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और यहाँ कोई कॉम वॉम कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए, मैं इस तरीके से अपने हाथों से ही इसको कॉम कर रही हूँ, और आप देखिए एक बाल आपको मेरे हाथ पे नहीं दिखेगा, कि एक सिंगल बाल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे बाल झड़ नहीं रहे हैं इस टाइम पे, झड़ रहे हैं, लेकिन 50% खत्म हो चुके हैं, ओनली 10% बचे हुए हैं। तो मुझे 2 weeks में इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले, और स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन। एंड अगर आपको न्यू हेयर ग्रोथ की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बोला बाल झड़ना तो बंद हो गया, अब न्यू हेयर ग्रोथ भी होगी, तो उसके लिए आपको 14 weeks तक इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, हेयर से वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो हेयर फॉल रुक गया है, मतलब 2 weeks में ही आपको आपका हेयर फॉल जो है वो काफी हद तक 90% कम हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ है। तो मैंने ये पूरा कॉम्बो मंगवाया हुआ है, कॉम्बो में मुझे एक साथ नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको कॉम्बो की लिंक दे दूंगी। और उस टाइम भी आउट ऑफ स्टॉक थे, क्योंकि ये इतना ज्यादा सेल हो रहा है, मतलब ये न्यू लॉन्च है लेकिन बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, क्योंकि इसका रिजल्ट ही इतना अच्छा है। इस शैम्पू के बारे में, ये है मामा अर्थ रोजमेरी एंटी हेयरफॉल शैम्पू विथ रोजमेरी एंड मेथी दाना। रोजमेरी एंड मेथी दाना हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होता है, रिड्यूस हेयर लॉस एंड ब्रेकेज। ये 94% स्ट्रॉन्ग करता है आपके हेयर्स को, और सच में ये बात बिल्कुल फैक्ट है। पहले मुझे इतना बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन सच बता रही हूँ, मैं डाई हार्ट फैन हूँ, मैं हर किसी को ये शैम्पू और ये कंडीशनर रिकमेंड करूंगी। ये मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फॉर ऑल हेयर टाइप है, कोई भी हार्म नहीं होगा इससे आपको। अगर आपने हेयर कलर करवाया है या आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है हेयर का, तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। प्राइस की मैं बात करूं तो ये 349 का आएगा, और अगर सेल्फ लाइफ की अगर इसमें बात की जाए तो आपको इसमें सेल्फ लाइफ 2 साल की मिल जाती है।
प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, मैंने यूज किया है। अब इसको कैसे यूज करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इसमें ये जो लॉकिंग का सिस्टम है वो मुझे सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि आप ट्रैवल में भी जा रहे हैं, बेस्ट है, इससे आप लॉक कर सकते हैं। तो शैम्पू को आपको कैसे यूज करना है, सिंपली पहले अपने बालों को अच्छे से गीला कीजिए, एक डब्बा लीजिए, उसमें शैम्पू को अच्छे से मिक्स कीजिए। डायरेक्ट शैम्पू कभी भी अपने स्कैल्प में मत लगाइए, बाद अपने स्कैल्प पे लगाइए, अच्छे से थोड़ा सा मसाज करते हुए शैम्पू कीजिए, बहुत अच्छे से आप शैम्पू कीजिए, 2 से 3 मिनट बाद उसे वॉश कर लीजिए। और आपको तभी अपने बालों का जो टेक्सचर है वो रफ समझ में नहीं आएगा, काफी सॉफ्ट समझ में आएगा। तो ये तो हो गई शैम्पू की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे इस कंडीशनर के बारे में। ये है मामा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयरफॉल कंडीशनर। इसका फॉर्मूला, इसके अंदर इंग्रेडिएंट सब सेम है। आपको इसको सिंपली अपने हाथों पे लेना होता है, अच्छे से इस तरीके से रब करना है, अपने हेयर्स पे लगाना है। एंड ऑल्सो आपको स्कैल्प पे बिल्कुल भी कंडीशनर यूज नहीं करना है, आपको अपने यहाँ पे ही कंडीशनर को यूज करना है बड़े अच्छे से। अच्छे से यूज करने के बाद आपको सिंपल पानी से वॉश कर देना है, हेयर्स काफी ज्यादा सॉफ्ट सिल्की समझ में आएंगे उसी टाइम पे, फिर सिंपल आपका शैम्पू और कंडीशनर दोनों हो जाएगा। मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं, रिसाइकल मोड प्लास्टिक दिन भी यूज है, जितने भी प्लास्टिक को यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकल करते हैं। ये मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही, साथ ही ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन आपके नजदीकी स्टोर्स पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट और purple.com पे आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो मामाअर्थ की वेबसाइट एंड मामाअर्थ के ऐप पे भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट मामाअर्थ के ऐप से या मामाअर्थ की वेबसाइट से लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कूपन कोड यूज करने पर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। ने अपना प्लांट गुडनेस इनिशिएट स्टार्ट किया है, जिसके तहत अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हैं मामाअर्थ का प्रोडक्ट तो आपके प्रोडक्ट को लिंक किया जाएगा एक ट्री से। तो आप प्रोडक्ट तो ले रहे हैं, साथ ही बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और अब आपकी बातों को भी सुनता है। आपको अपना रिव्यू वहाँ पे शेयर करना चाहिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये इसमें ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए, आप वहाँ पे अपनी बात रखिए, उनकी टीम इस पर पूरा काम करती है। जी हाँ, अभी उन्होंने हाल ही में अपनी ऑनियन शैम्पू में काफी ज्यादा काम किया है। सो मामाअर्थ की जो ये जो क्वालिटीज है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। तो ये तो मैंने बहुत ज्यादा उनकी तारीफ कर दी, लेकिन सच बताऊं उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, तो वो तो हो गया। उसके बाद मैंने अगर इन दो इंसानों की, प्रीति और प्रियादी के अलावा किसी से सबसे पहले मेरा मतलब ये हुआ कि मैंने बात की, तो वो थी सृष्टि दीदी। भाई उस इंसान के लिए मैंने जो अपने दिमाग में थॉट्स लगाए थे आज से साल भर पहले, मैं उनका जो स्टॉक का वीडियो देखा था, उस टाइम पे मुझे भी जो स्टॉक का ऑफर आया था, उनके जस्ट वीडियो के बाद मुझे जो स्टॉक का ऑफर आया हुआ था 1.5 साल पहले, डेढ़ या 2 साल पहले आया था, ठंड में आया था। हाँ, तो 2 साल हो गए हैं क्योंकि इस टाइम हम गए थे, तो हमें 2 साल पहले जो स्टॉक का वीडियो ऑफर आया, तो उन्होंने मतलब हमें रेफरेंस वीडियो के नाम पे उनका वीडियो दिया था कि ये देखिए इनकी स्टोरी कितनी ज़्यादा चली, इनको बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं बेनिफिट हुआ ये वो, क्योंकि जो स्टॉक ना आपको पैसा नहीं देता, उनका कहना होता है हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आप अपनी स्टोरी, वहाँ पर वहाँ तक जाने की बहुत बड़ी बात ना, तो वो आपके लिए एक अचीवमेंट है कि आप वहाँ जा रहे हो अपनी स्टोरी मतलब रख पा रहे हो। तो इस वजह से जब उन्होंने रेफरेंस वीडियो में मुझे उनकी वीडियो दी, उसके पहले ही मैंने उनकी एक शॉर्ट वीडियो देख ली थी जिसमें उन्होंने वो पैर छुए थे अपने हस्बैंड के, सच मैंने वो शॉर्ट्स तो देखी थी, लेकिन फिर मैंने उनकी जो स्टॉक की स्टोरी देखी, जब मैंने उनकी जो स्टॉक की स्टोरी देखी तो मैं उनको फॉलो करना धीरे धीरे चालू कर ली। फॉलो करने से मतलब है मेरा, कैसे तो मैंने सब्सक्राइब कर लिया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, लेकिन मैं उनको देखना चालू की, और मैं जब देखती थी तो मेरे दिमाग में पहले उनकी जो रिस्पेक्ट थी तो वो तो एक साइड कॉर्नर में है, और साथ में मैं ये सोचने लगी यार ये क्या करती है, मतलब 3-4 मिनट का ब्लॉग होता है इनका और 3-4 मिनट ये टॉपिक पे बात करने लग जाती हैं, चबड़ चबड़ करके ये रख देती, मतलब मेरा ये था कि क्या है ये, कैसी ब्लॉग्स बनाती हैं। फिर धीरे धीरे जब मैं मतलब तो मुझे ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं आया, पर धीरे धीरे मैं ना उनसे इंस्पायर्ड भी होने लगी कि यार कितना मतलब डेस्परेटली वो अपना काम करती हैं, कितना टाइम देती हैं अपने सोशल मीडिया पे, टॉपिक्स ढूंढना बहुत आम बात नहीं है, और साथ में वो पूरा अपना घर संभालती हैं, तो वो तो मेरे लिए रिस्पेक्ट भी था, साथ में मैं उनके दिमाग मेरे दिमाग में ये चीज़ भी, जब मैंने फर्स्ट टाइम उनसे मिली, जब मैं उनसे बात करी, और जो कैमरा में शूट हुआ वो एक आप अलग लेके जाना, जो इन रियल उन्होंने बोला, मैं सच बता रही हूँ, वहाँ पे अप्रॉक्स नहीं तो 20 to 25 क्रिएटर्स होंगे, उसमें ऐसे लोग हैं जिनके मैं मतलब ऐसा बोल सकती हूँ कि उन्होंने सीरियसली सबको यूट्यूब के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के बारे में इतनी डिटेल्स दी, इतनी चीज़ें समझाई कि अगर कोई सच में उस चीज़ को एब्जॉर्व करेगा तो वो, सच बता रही हूँ, वो बहुत फेमस हो सकता है। तो और सच बताऊँ उनको एक प्रोत्साहन मिला काम करने का, तो वो सृष्टि दी थी भाई, उनको मैंने सोचा क्या था, वो निकली क्या मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, वो बहुत अच्छी हैं, वो ऑन कैमरा है वैसी वो ऑफ कैमरा है। हाँ, उसमें मुझे उस वाली वीडियो में कि ये अपने आप को हीरोइन समझती, नहीं भाई वो हीरोइन नहीं समझती, वो इंटरटेन कर रही थी सबको, वो घर वाला माहौल बना रही थी, आप समझ रहे हो, सब एक दूसरे से नए नए मिले थे, ऐसा लग रहा था जैसे अपन सब मतलब पहले से जानते हैं,
आधे घंटे में ऐसे ही मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं तो सबको जानती हूँ, सबको जानती हूँ। तो उनके साथ मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, और सच बताऊँ मतलब एक बड़ी क्रिएटर में वही तो थी, लेकिन उनके अंदर 1% का ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ी क्रिएटर है या उनको घमंड है। सबके बारे में ऐसे अर्न कर सकती हूँ, वैसे अर्न कर सकती हूँ, सबको समझा रही काम करो, ऐसा काम करो, ऐसी ब्लॉगिंग करो और ऐसे कंटेंट बनाओ और ऐसा, मतलब जो जैसे बड़े आदमी जो बड़े होते हैं उम्र में भी और नॉलेज में भी, तो वो सबको अपना बताई थी एक्सपीरियंस की ऐसा करो उसका ऐसा करो। आज की दुनिया में ये ऐसा होता है, बाबू कॉमन नहीं है ना, बाकी कोई बताते नहीं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो बताते नहीं अपनी ट्रिक कि हम लोग ऐसा करते हैं, वो सब बता रही थी, सब बताई थी, वो ये बोल रही थी कि तुम मुझे ही कॉपी कर लो ना तो भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, तुम जो मतलब तुम करो काम करो। और आप अगर आप देख रहे होगे कि लास्ट 2 डेज मेरी वीडियो 2 से 3 डेज वीडियो नहीं गई क्योंकि मेरी हेल्थ इशूज थे, तो जिसके चलते मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो आपको पता है मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, किसको देख के डाल रही हूँ, मैं उन्हीं को देख के डाल रही हूँ। बाद हम मिले थे डॉक्टर प्रियंका, प्रीति साहू और जो डॉक्टर हाँ, तो सबसे पहले मतलब मैं तो नंबर वाई नंबर ताकि मैं किसी को भूलूँ ना, मैं किसी का नाम ना भूलूँ, तो डॉक्टर प्रियंका एंड प्रीति साहू भी बहुत अच्छे लोग हैं, दोनों ही बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी रील्स बनाती हैं, एंड उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनने जो जिस तरीके से बात की वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं लगता नहीं है कि हम किसी से इतने जल्दी घुल मिल जाएंगे, बट सीरियसली वो बहुत अच्छे थे, तो अच्छे लोगों के लिए हम कभी ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया। और आकांक्षा दी मुंबई में रहती हैं, प्रिया दी की बचपन की फ्रेंड है, एंड सीरियसली वो भी बहुत अच्छी हैं, जीजू भी बहुत अच्छे हैं, जीजू से इनकी बात हो रही थी, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ की बात करूँगी क्योंकि मेरी उन्हीं लोगों से ज़्यादा बात हुई है, इनकी जेंट्स लोगों से बात हुई है, तो इन्होंने मुझे बताया था कि जीजू भी बहुत ही अच्छे हैं और आकांक्षा तो सच में बहुत ही अच्छी हैं, उनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, काफ़ी अच्छी हैं वो। और मुझे देखिए सबके चैनल के नेम नहीं पता है, तो अच्छी हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, और एकदम जैसे उन्होंने जैसे उन्होंने प्रिया दी को देखा वैसे उन्होंने मुझे देखा, मतलब देखने से मतलब ये कि ये वो बचपन की फ्रेंड है, तो उनको डांस भी उनके साथ किया था। हाँ, आप तो डांस भी उनके साथ किए थे, एंड हाँ ऑल्सो डांस से याद आया कि आपको मेरे हस्बैंड का डांस बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बोला वहां तो सामा बांध दिया जीजू ने ये वो, तो मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा डांस किया था, 5 मिनट डांस उन्होंने बहुत कम किया था, भोजपुरी वो चल रहे थे, भोजपुरी गाने चल रहे थे, तो आप लोगों को क्या है वो जो फेमस है वो बस समझ में आ रहा था कि ये गाना ये है, जैसे बाकी जो नए नए अभी मतलब उनके पसंदीदा पुराने गाने भी थे, कुछ नए भी थे, उतना समझ में नहीं आ रहा था, पूरी गाने समझ नहीं आते, बाकी जो है बीट पकड़ के डांस कर रहे थे, बीट पकड़ के ये डांस कर रहे थे, वो भी थोड़ा सा टाइम का, वो जैसे मैं डांस किया कि पे भी किया था पर ने सीखा थे तो उनको भी देखना था। हाँ, लेकिन ये है कि कभी आपको जीजू का डांस देखने को मिलेगा क्योंकि जीजू बहुत अच्छा डांस करते हैं, और अब आप लोग इतना इंकरेज कर दी हो तो शायद कभी करके दिखाएंगे। मिली सेजल भाई, सेजल जो मतलब बंदी है, अगर ऑन कैमरा देखती हूँ ना तो लगता है कि अरे बहुत फैशन वाली है, ज़्यादा भाव नहीं देगी, बात नहीं करेगी, ऐसा वैसा, क्योंकि मैं सेजल को बहुत टाइम से देख रही हूँ, सेजल को आज से नहीं देख रही हूँ, मैं सेजल को देख रही हूँ, अभी बीच में मैंने उनको देखना बंद कर दिया था, कोई रीज़न नहीं था, थोड़ा टाइम का इशू के चक्कर में। पहले जब ये फूड चैलेंज वगैरह वायरल हुए, वर्स्ट मेकअप बेस्ट मेकअप ये वाला वायरल हुआ, तो सबसे पहले मैंने अगर किसी का चैनल देखा था तो वो सेजल का था, और सेजल ने उस टाइम पे अपना वेट भी बहुत गेन कर लिया था, बहुत अच्छे कंटेंट डाल रही थी वो, सीरियसली वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी पर्सनली। लेकिन जब भाई सेजल से मिले तो वो इंसान ही अलग लगी, जो कैमरा पे दिख रही थी वो तो वो थी नहीं, वो तो एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही मतलब सुलझी हुई लड़की, जिसको मतलब ठीक है सब चल रहा है लेकिन वो अपनी मस्ती में मस्त है, वो अपने एंजॉयमेंट में मस्त है, सबसे उतने ही अच्छे से बात करना, कौन बड़ा क्रिएटर उसे बहुत ज़्यादा भाव देना, कौन छोटा क्रिएटर उसे भाव नहीं देना, ये तो उसके अंदर बिल्कुल था ही नहीं, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी लड़की थी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे सेजल का नेचर मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, सबको उसने इक्वल ट्रीट किया, और बहुत अच्छी थी वो, उनके हस्बैंड भी, उनके भाई उनके हस्बैंड भी आए थे, तो उन लोगों से तो खैर मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ वो भी अच्छे थे, सब हो गया। उसके बाद अनुराधा थी, उसके बाद मैं अगर किसी का नाम भूल जाऊँ तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, कुछ लोग तो पार्टी में ही आए थे, उनके तो मुझे नाम भी याद नहीं है। एक नीतू जी थी जिनको हम बाहर तक छोड़ने भी गए थे, वो हमारी सब्सक्राइबर थी, बिल्डिंग के बगल में लिया है। हाँ, तो उन्होंने पूरा अपना बताया कि हम उनके हस्बैंड नेवी में हैं और आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। हाँ, तो वो भी बहुत ही अच्छी हैं, और उनका नेचर बहुत अच्छा था, और उन्होंने जिस तरीके से इज्जत प्यार सम्मान दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, अगर आप देख रहे हो वीडियो तो वो भी बहुत अच्छी थी। अनुराधा साहिब बहुत अच्छी थी, और अपनी वो बांदा वाली आई थी ना वो, साक्षी, वो तो बच्चा है, वो भी आई थी, फर्स्ट टाइम उससे मिले थे, उनके हस्बैंड भी आए थे, अभी न्यू मैरिड है वो, और उनसे मिले बहुत अच्छा लगा उनका नेचर,
और उनके पास उनने बुलाया भी था अपने को ना, उनके यहाँ उनकी मैरिज थी, उन्हीं की शादी थी, उसकी शादी थी, उसने मुझे बुलाया था। बट उस टाइम पे एक तो नवरात्रि चल रही थी जब उसका एंगेजमेंट हुआ, और अष्टमी की हमारे यहाँ पे पूजा बहुत उससे होती है, आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं नहीं जा पाई थी। उसके बाद शादी के टाइम पे मिशिका के एग्जाम थे, तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। मैंने उसको इतना तक प्रॉमिस किया था कि अगर उसका एग्जाम, मान लो आपकी शादी आज है, उसका कल छोड़ के परसों एग्जाम रहेगा, तो मैं आ जाऊंगी। और मैंने सब कुछ, मेरी तैयारियां भी थी कि चलो शॉपिंग वॉपिंग सब करके था कि अगर ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था, पॉसिबल नहीं था। फिर उसी टाइम पे मम्मी की तबीयत खराब, इतनी सारी चीजें हो गई, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर हम नहीं गए। उससे सॉरी भी बोला सोनू सिंह, हाँ सोनू सोना सिंह, वो भी बहुत अच्छी नेचर की हैं। उन्होंने हमें ऐसे कैमरा कैसे पकड़ना है वो सब समझाया था बेसमेंट में, जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और नेचर भी बहुत अच्छा है उनका, सो वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब एज ए क्रिएटर मैं ये बोलूँ कि सबके साथ अच्छा ही बॉन्ड था, लेकिन हाँ किसी किसी के साथ वाइब मैच नहीं होती, किसी किसी के साथ वाइब बहुत ज़्यादा मैच हो जाती है। वो लड़की बहुत डाउन टू अर्थ है, सोनू सोना सिंह जो है सोना, वो भी बहुत डाउन टू अर्थ है, और निशा बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। सचिन भैया और मनीषा भी आए थे, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। मनीषा के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि भैया वो लड़की ही अलग है, मतलब क्योंकि वो मुझे पता है वो मुझे नहीं जानती होगी, लेकिन मैं तो उसको जानती थी ना, तो मैं कई बार ट्राई की कि चलो उससे मिल लेती, पर मुझे फिर बार बार एक ही चीज़ लग रही थी कि अगर मैं उससे मिलने जाऊँगी तो उसको लगेगा ये फालतू में चिपक रही है, या उसको नहीं लगेगा, बाकी सब क्रिएटर्स देख रहे हैं, एज ए व्यूअर आप लोगों को लगेगा, तो मैं उतना थोड़ा सा अपने पीछे कर लिए पैर। लेकिन उसने सामने से स्माइल की, सामने से बुलाया, मैंने हाथ मिलाने की कोशिश की, उसने गले लगाया, मतलब वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतना डाउन टू अर्थ होना भी बहुत अच्छी बात होती है। सचिन भैया से हमारी सिर्फ शायद एक मिनट की बात हुई होगी, लेकिन हाँ वो उनका वो क्या बोलते हैं नेचर, उनका भी नेचर बहुत प्यारा लगा, इनके पास तो वो बैठे थे, हमारे बगल में बैठे रहे वो, और अपना एडिटिंग वगैरह कर रहे थे, करते रहे, अपलोड करते जब रहे। जब उन्होंने एंट्री ली तब भी वो इन्हीं के बगल में थे, तो अच्छा नेचर था उनका, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट नेचर के थे वो, ज्यादा बात नहीं करना, आराम से उन लोगों से, एक तरीके से ये है कि उन लोगों से लोगों को ये सीखना चाहिए कि आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, आपको अपना जो रूट्स है वो कभी नहीं भूलनी चाहिए, तो वो चीज उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। उस भी थी ना दिल्ली की, वो क्या नाम, परी, ओ भाई वो लड़की इतनी अच्छी है, उसका इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है, और इतनी मजा किया है, इतनी प्यारी उसका है, भाई भी अच्छा है, अच्छा नेचर का है। दो भाई थे शायद, दोनों हाँ, भाई थे, दोनों अच्छी नेचर के, दोनों भाई बहुत अच्छी नेचर के थे, एंड वो बहुत प्यारी है, मतलब उसको दुनियादारी से बुरा अच्छे से उसको किसी चीजों से हाँ बुरा लगेगा, तो इतनी कट्टू कट बोलती है ना कि भाई मत पूछो भाई, दिल पे रखने वाली बंदी नहीं है, बड़ी क्यूट है उसकी बेटी, और तुम्हें लोड नहीं लेने दे सकती किसी चीज का, अगर तुमने लोड लिया तो ऐसे ऐसे करके निकाल देती है। और मैं बोल देती हूँ, जैसे किसी किसी के साथ वाइब मैच नहीं हुई है, मैं किसी का स्पेशली नाम नहीं ले रही हूँ, किसी का अगर मैं नाम भूल गई हूँ उसके लिए आई एम सॉरी, मैं कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हूँ, कॉन्ट्रोवर्सी जैसा शब्द मेरे चैनल पे होता भी नहीं, आपने भी देखा होगा, तो वो तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, कमेंट में ना फटकार लगा देना अगर ऐसा है तो। लेकिन हाँ कुछ जैसे लोगों का मुझे ऐसा लगा कि ऑन कैमरा कुछ थे, ऑफ कैमरा कुछ थे, और जब मुझे ऐसा लगा कि वो ऑन कैमरा स्माइल कर रहे हैं लेकिन ऑफ कैमरा वो एक डिफरेंट पर्सन है, तो फिर मैंने, अगर वो मेरी कैमरे में भी कहीं नोटिस हुए हैं तो मैंने वो भी एडिट किया है, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी उनके चैनल पर मुझे टोंटबाजी लगी। लेकिन मैं वही बोलूँगी अगेन कि मैं प्रिया दी एज ए यूट्यूबर नहीं गई जहाँ पे मैं कॉन्ट्रोवर्सी करूँ, जहाँ पे मैं किसी को गलत, वो मेरी बहन है, तो उनके यहाँ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मैं उस चीज़ को मुद्दा नहीं बना सकती हूँ, ना मैं बनाना चाहती हूँ, चाहे वो टोंट मारे, चाहे वो विथ नेम आ जाए, मैं नहीं बोलूँगी कुछ। लेकिन हाँ मुझे ये ज़रूर लगा कि आप ऑन कैमरा बिचारी अबला नारी ना बने, अगर आप वैसे हो नहीं, जैसे हो वैसे अपने चैनल पे आइए, जैसे मैं हूँ मैं मेरे चैनल पे आती, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड में दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपने देखा हो मेरा एक मोटिव हमेशा से रहा है, मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जिसको मैं हमेशा कैरी करके चलती हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है अननेसेसरी मैं लोगों के बीच में घुसती नहीं हूँ, अननेसेसरी अगर आप मुझे इग्नोर करोगे मैं आपके पास आऊँगी नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार मुझे इग्नोर करोगे मैं दोबारा आपके पास खड़ी नहीं हो सकती, ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसको आप अगर नेगेटिव वे में देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे भाव नहीं दे रही, मैं एक बार देती हूँ, अगर मुझे लगा कि वैसा कुछ नहीं है तो फिर मैं नहीं देती हूँ। तो वो मुझे बुरा लगा था, और उस चीज़ की वजह से मेरा पार्टी में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था, इवन तो मैंने इनको बोल दिया था कि मोबाइल जिम में डालो, मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है, बट फिर मुझे इन्होंने समझाया कि थोड़ा काम रहो, इतना मतलब वो मत समझो, क्योंकि किसी की वजह से उस जिनके हाथ तुम आई हो, क्या उन्होंने कुछ बोला, क्या उन्होंने ऐसे तुम्हें फील कराया? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला बस तो फिर छोड़ो, बाकी सब चीज़ें छोड़ो। तो फिर जो भी रिकॉर्ड किया था इन्होंने रिकॉर्ड किया था, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा
माइंड अलग चल रहा है, एंजॉय बहुत किया है। लेकिन फिर जब हम रूम पे गए, हाँ तो हम एंजॉय तो हम करेंगे, एंजॉय तो हम करेंगे, हाँ एंजॉय तो हम करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने जैसे बोला मैं यूट्यूबर के यहाँ नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ नहीं, मैं अपनी बहन के यहाँ गई हूँ, तो मैं एंजॉयमेंट थोड़ी ना बोलूंगी, मेरा घर है। बट मुझे जो चीज़ बुरी लगी मैंने वो फॉरवर्डली बोली कि आप लोगों ने हमारे कपड़ों को लेकर बात की, तो मुझे बुरा नहीं लगा। मिशिका की ड्रेस अच्छी थी, मेरे हस्बैंड अच्छे लग रहे थे, मेरा बच्चा अच्छा लग रहा था, मैं भी अच्छी लग रही थी अपनी नज़रों में, अपने नहीं, कपड़े की कोई वो नहीं था। हम तो 100 रुपया नहीं 50 वाली भी टी शर्ट पहन लेंगे, हमें अगर कंफर्टेबल लग रहा है हम अपने आप में अच्छे हैं। नहीं वो 50-100 रुपए वाली नहीं, इन लोगों को मतलब कुछ लोगों ने अभी तक रोका ही नहीं उस चीज का, गाउन क्यों पहन ली, गाउन क्या हो गया यार मेरी ये कपड़े से जिंदगी तोलोगे क्या भाई, मैं फिर से कभी पहनूंगी ना नहीं। अब करना है उसमें क्या है कि अब जैसे घर पे तो पापा यहाँ कोई कार्यक्रम हो, मम्मी पापा रहे तो ये लगता है साड़ी वाड़ी पहनना, वहाँ पे कुछ ऐसे मम्मी पापा नहीं थे, सब अपने यूट्यूबर्स थे, वहाँ पार्टी थी तो अपने गाउन पे लिए, और हमें अच्छा लग रहा है तो दूसरे से हमें क्या करना है, और साड़ी में अच्छा लगे चाहे गाउन में अच्छा लगे। हाँ मैंने इनसे पूछा था, मैंने प्रीति अच्छा से पूछा था, प्रीति का रूम हमारे जस्ट रूम के बगल में, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा, तो बोली ऐसे तो यार मेघा मे भी शायद सभी लोग पहने, और मुझे तो मैंने जैसे बोला था लास्ट वीडियो में तो मुझे तो पता था ऑप्शन में ले गए थे, दो साड़ियाँ थी एक गाउन थी, और ये डिस्कस भी किया था इन्होंने कि प्रीति थी उनसे पूछा कि क्या पहने यार, सब बेस्ट दिखना चाहते हैं, मैं भी चाहती हूं कि कोई भी कार्यक्रम छोटा छोटा कार्यक्रम आदमी ये सोचता है कि हम अलग दिखें, अच्छा दिखें, अलग दिखें। अब आई नो कि मैंने अलग दिखने के चक्कर में मे भी आप लोगों को बुरी दिखी, लेकिन ठीक है वो आपका टेस्ट है, आपको मैं बुरी दिखी। अब इनका टेस्ट की बात की जाए तो इनको मैं अच्छी लग रही थी, ये मुझे बार बार बोल रहे थे कि मुझे तुम अलग लग रही हो, अच्छी लग रही हो। अब बारी आती है बाल बांधने की, तो देखो वहां पे सबको गर्मी लग रही थी क्योंकि लोग इतने थे, एसी चल रही थी, फैन लगे थे, सब था, लखनऊ में गर्मी बहुत थी यार। लेकिन वहां पे पानी गिर गया था, पानी गिरा था, उमस वाली गर्मी थी, बहुत उमस हो रखी थी उसी दिन, पानी गिरा था। मैंने बाल अपने ओपन किए थे, मैंने कर्ली बाल नहीं किए थे, मैंने ओपन बाल किए थे, लेकिन फिर वो बाल आपको पता है हेयर कट लिया है, तो ये जो बाल है ना अभी, जैसे आपको मैं अभी समझा देती हूँ, देखो ये जो बाल है ना अब तो थोड़े से बड़े हो गए, ये ऐसे रखे थे, अच्छा लगता मेरे फेस पे ऐसे रखे रहते, तो मैंने इनको क्योंकि मैंने डे में बिल्कुल ओपन हेयर रखे थे, तो मैंने थोड़ा सा इनको ऐसे क्लच आउट करके थोड़ा सा आगे आगे के बाल थोड़े थोड़े निकाले थे, और वो मुझे नहीं पता कैमरे पे वो कैसे दिख रहे थे, बट सच बताऊँ सामने वो अच्छे लग रहे थे। अगर बुरे लगते तो कौन पागल है जो पागल बन के जाना चाहेगा। हाँ अगर मेरे पास फैसिलिटीज, अगर चीज़ें ऑप्शन नहीं, आप लोग खाने का बता दीजिए आज क्या बना लें यार, आप के अकॉर्डिंग ऐसा चलना पड़ेगा तो खाने का बता दीजिए। हाँ ठीक है आपको बुरी लगी, बट इतना बुरा मत बोलो किसी को कि 6 दिन तक, मतलब महीना भर होते जा रहा है, आप लोग पीछे ही पड़ गए, बुरी लग रही थी, बुरी लग रही थी, बुरा मत बोलो, खाना नहीं खाएगी फिर। और मैं थोड़ी सी ओवर मतलब वैसे हो जाती हूँ, मेरे को बड़ी जल्दी टेंशन। ये तो बता दीजिए राखी आ रही तो क्या पहन, ये बता दीजिए। हाँ मेरी गलती, अभी से बता दीजिए कमेंट ताकि आप लोगों को बुरा नहीं, नहीं जैसे जो अच्छे व्यूवर्स हैं उनको मैंने प्यार से समझा दिया। अब जिनको अगर ये नेगेटिव वे में, देखो मैं आपको एक बात बोलूंगी, एक वे होता है बात करने का, मैंने आपको कुछ बोला, आप ये तो बोल सकता था ना कि नहीं यार दीदी आप गाउन पहन के साड़ी पहनती तो और अच्छी लगती, बोला ना आदमियों ने, लेकिन वो मेरे वेल विशर्स हैं जो बोल रहे थे कि अगर आप साड़ी पहनती तो अच्छी लगती। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आप गाउन में अच्छे लग रहे थे, हमें तो अच्छे लग रहे थे, अगर आप नेकलेस नहीं डालते तो अच्छे लगते, मतलब एक सजेशन था वो अच्छा लगा हमें। बस हमें ये बुरा लगा अच्छे दिखने के चक्कर में बुरी दिखने लग गई, अच्छे दिखने के चक्कर में कैसी दिखने लग गई, प्लीज़ ये सब मत बोला करो। हम अच्छे दिखते हैं बुरे दिखते हैं हमें भगवान ने बनाया है, हम अपने फीचर्स नहीं बदल सकते हैं, ठीक है हम अपना नेचर नहीं बदल सकते हैं, जो चीज़ हमारी बस की नहीं है प्लीज़ उसे बदलने के लिए मत कीजिए, क्योंकि ये जो नेचर है ये हम बचपन से लेके आते हैं, अब हम मतलब शुरुआत हमारी हम बड़े ही उस नेचर के साथ हैं, एकदम से हमारे अंदर इतने सारे चेंजेस नहीं आ जाएंगे। हाँ मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी बोला कि मैं फैशन डिजाइनिंग करके बैठी हूँ जो मुझे फैशन का पूरा सब कुछ पता है, नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ कि मुझे मेकअप का पूरा नॉलेज है, मैंने कभी नहीं बोला, भाई मैं एक नॉर्मल सी हाउस मेकर हूँ, उसमें मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, कभी अच्छी दिखूंगी कभी बुरी दिखूंगी, कभी बुरी दिखूंगी उससे सीख ले लूंगी, कभी अच्छी दिखूंगी उससे भी सीख ले लूंगी, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। और मैंने मतलब कुछ लोगों को लगा लॉजिक नहीं था उस बात में, बट मुझे लॉजिक लग रहा था, मुझे लॉजिक लग रहा था कि अगर मैंने ये कर लिया कि मैं किसी के जैसा लुक ले ली तो मुझे ये कमेंट आता तुमने उसको कॉपी, क्योंकि वो बड़ा यूट्यूबर है, मैं थोड़ी सी उससे छोटी हूँ, तो कॉपी कर रही है कॉपी, वैसे मैं क्रिएटर यूट्यूबर में फ़र्क नहीं समझती हूँ, लेकिन लोग समझते हैं क्योंकि मुझे वैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि वो इंसान समझेगा इसने मुझे कॉपी कर लिया, इसने सुना था, इसको पता था कि मैं ये करने वाली, तो भी इसने ये किया, मैं नहीं चाहती थी भाई, मुझे वो चीज़ें चाहिए ही नहीं थी, मैं अपने तरफ से मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया। देखिए जो सृष्टि दीदी है ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उनके हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे, वो आगे जा रहे थे, तो उनका हाँ आयुष जीजू जो है वो यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे थे जहाँ हम खड़े थे, तो
जब दी निकली है ना तो उनका हल्का सा मुझे धक्का लगा 19-20 वाला कि मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एक और कोई निकला और उसका धक्का मुझे इतने तेज लगा कि जो काउंटर वहां पे था मैं वहां गिर गई। ठीक है, अगर वो काउंटर वहां नहीं होता तो मैं नीचे गिर सकती थी। बट उस इंसान को सॉरी फील नहीं हुआ, उसने ना तो सॉरी बोला और मैंने एक छोटी सी बात पे उसे सॉरी भी बोला। और उस बात पे उस चीज़ को उसने उस बे में बोला कि मुझे बस ऐसा लग गया उसके बाद तो कि यार एक इंसान जो सॉरी नहीं बोल रहा है, जिसने गलती की, मैंने गलती भी नहीं की तो भी मैं सॉरी बोल रही हूँ, उस इंसान का रिप्लाई में मुझे ऐसा रिस्पॉन्स आया कि मुझे इतना गंदा लगा। बट मैंने फिर ये छोड़ा कि होता है कुछ लोगों को, कुछ लोग अलग एटीट्यूड के होते हैं, वो दिखाते बड़े बिचारी हैं, अबला है, नारी हैं, ये सब है, लेकिन इन रियल अगर आप उन्हें देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वैसे ही कुछ नहीं है। मैंने ये चीज़ समझ ली। खैर, इनके साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। आई रियली होप गाइस कि आज की वीडियो आपने इन्जॉय भी की होगी, थोड़ा हमारे बारे में आपको पता लगा, जो आप लोगों के वो था क्वेश्चन थे वो सब मैंने बोल दिए होंगे। और जब नाम भूल गया तो उसके लिए सॉरी, किसी को वहां पे बुरा लगा तो उसके लिए भी सॉरी, हमारी तरफ से अगर कोई गलती हो उसके लिए माफी। ठीक है।